भगवान जी आप उदास क्यों हैं? पता नहीं भगवान जी। जी मुझसे पूछे कि मैं क्यों उदास हूँ। बबी तुम क्यों उदास? इसलिए कि आपकी भैंस गुम गई है ना। यही तो फिक्र वाली बात। फिक्र करने की क्या जरूरत है भगवान जी? क्यों आप अखबार में इश्तेहार देते गुमशुदगी का? ये मजीद फिक्र वाली बात है, इसलिए कि मेरी भैंस पढ़ी लिखी नहीं, इश्तेहार कैसे पड़ेगी। ओए होए 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 होए। सुनिए आपके पास टेलीफोन होगा, मुझे एक लोकल कॉल करनी है। बब्बी जी भगवान जी हमारे पास टेलीफोन है। है जी। 2 रुपए लेके इनको कॉल करने दो। ठीक है। क्या मतलब 2 रुपए लोकल कॉल के? बब्बी जी भगवान जी टेलीफोन अंदर रख दो। ठीक है जी। ठीक है ठीक है, आप 2 रुपए ले लीजिए, कॉल तो करने दे मुझे, दीजिएगा। बब्बी जी भगवान जी टेलीफोन दे दो। क्या मतलब भाई? टेलीफोन तो डेड है। जिंदा टेलीफोन कैसा होता है? घंटी बजे जिसकी। बब्बी जी भगवान जी घंटी बजती है? बजती है जी। भाई मैं टेलीफोन की घंटी की बात कर रहा हूँ जो कि डेड है। अगर टेलीफोन डेड है तो हर महीने बिल कैसे आता है? आप घंटी सुनने हैं कि टेलीफोन करने आए हैं? भाई आप ट्राई करके देखें, देखिए प्लीज 66051। भगवान जी नंबर मिला दो। मिला दो दूर तक। हेलो बब्बी बोल रहा हूँ, कहाँ गए चाचा जी? अच्छा मैं कल लाऊंगा फिर। मेरा सलाम। भगवान जी की तरफ से सलाम, बात करें। हेलो कौन साहब? ला हौल वला कुव्वत, ये कहाँ मिला दिया आपने? ये तो रॉन्ग नंबर था, दोबारा मिलाइए 66051। बब्बी जी भगवान जी दोबारा मिलाने से पहले 2 रुपए ले लेना। क्या मतलब? बब्बी जी भगवान जी टेलीफोन अंदर रख दो। ठीक है ठीक है, आप 2 रुपए और ले लीजिए, अब जरा एहतियात से मिलाइएगा। बब्बी जी भगवान जी एहतियात से मिला दो। ठीक है जी 2 रुपए। ठीक है जी। हेलो बब्बी बोल रहा हूँ, आपने हमारा बिल क्यों दिया? कल आएंगे? चलें ठीक है। भगवान जी की तरफ से सलाम, मेरी तरफ से सलाम, बात करें। हेलो कौन बोल रहा है? भाई मैं अब्दुल करीम बोल रहा हूँ, अब्दुल वजूद साहब हैं जी? क्या मतलब? आपका नंबर क्या है? सॉरी रॉन्ग नंबर। भाई क्या बदतमीजी है, आपने दोबारा फिर रॉन्ग नंबर मिला दिया। आप मजीद कॉल करेंगे कि 2 रुपए देंगे कि टेलीफोन अंदर रखते हैं? ये सरासर ज्यादती है, ये टेलीफोन ये ना इंसाफी है, ये टेलीफोन ये धोखा है, फ्रेब है, फ्रॉड है। जो मर्जी नाम रख दें, हमने थोड़ी बनाया। भैया हमें जला हुआ पराठा, एक ठंडी चाय, 2 पत्थर की मानिंद सख्त टोस्ट और 1 बासी अंडा चाहिए। बाबा जी ये होटल है, आपका घर नहीं है। ये क्या मतलब? ऐसा बेहूदा नाश्ता यहाँ नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? अरे हम रोजाना यही नाश्ता तो करके जाते हैं यहाँ से। हमने तो बड़ी कोशिश की, बाकी अल्लाह की मर्जी। डॉक्टर आपको कितना पता चलता है कि मरीज मर चुका है? बीबी अगर मरीज मर्द हो तो उसकी सांस रुकने से पता चल जाता है कि वो मर चुका है। और अगर मरीज औरत हो तो? तो फिर उसकी जुबान रुकने से।